अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पर हर एक के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो हम लोग हैं। चाहे वो सियासी मैदान के ऊपर हो या कोई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम। आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि सोलापुर में भी बहुत जोरों से तैयारियां चल रही थी। 27 नवंबर को हमने एक नारा दिया था, चलो मुझे मालूम था इतनी आसानी से हमें आने नहीं देंगे, इतनी आसानी से हमको इजाजत नहीं देंगे। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम मुंबई जा रहे तो क्यों जा रहे थे? क्या हम सिर्फ वहां पर एक ताकत दिखाने के लिए जा रहे थे या हम उन मुद्दों को लेकर आपके बीच में आ रहे थे? हमें मालूम था कि फूलों से हमारा इस्तकबाल तो किया नहीं जाने वाला, इजाजत तो हमें दी नहीं जाने वाली। ये हम अच्छी तरह से जानते थे कि इन मंत्रियों के, किन राजनीतिक पार्टी के दबाव के अंदर मुंबई की पुलिस कुछ दिनों के बाद हमें एक पत्र देती है और कहती है कि 27 नवंबर को हम मुंबई में आपके चलो मुंबई के नारे को इजाजत नहीं देते। क्यों? कोरोना है बोले। सारा कोरोना ये हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है? आप ये देखिए, पिछले हफ्ते शिवसेना जिसकी सरकार, जिसका मुख्यमंत्री है, औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा निकालते हैं। दो मंत्री आते हैं उसमें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से आता है। एक मोर्चा निकालते हैं, पुलिस की परमिशन नहीं रहती है उसको, उसके बावजूद निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये एक अलग बात है, बताऊं क्यों निकालते हैं? बोले महंगाई बहुत हो गई, वो कम करने के लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसकी हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है, वो कहते हैं कि हम महंगाई हो गई है तो उसके विरोध में हम मोर्चा निकाल रहे हैं, पुलिस की इजाजत नहीं रहती है तो मोर्चा निकालते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तुम्हारी सत्ता है तो हमें इजाजत की जरूरत नहीं। दो दिन बाद नागपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी इजाजत के नागपुर में मोर्चा निकालती है, आंदोलन करती है, कोई पुलिस की परमिशन नहीं रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार साहब तीन तीन सभाएं लेते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, तब कोरोना कहां रहता है? क्यों नहीं रहता है वहां पर? लेकिन हम अगर हमारे हक के लिए हम मुंबई आना चाह रहे हैं, आपको हम पत्र देते हैं कि हमको इजाजत दो, तो आप कहते हैं कि नहीं, कोरोना है इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। 27 नवंबर का हमारा चलो मुंबई का नारा जो हमने दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को रखते हुए हम उसे आगे बढ़ाए। लेकिन हमने कहा कि अब चलो मुंबई नहीं, अब नारा यह है मुंबई तो हम आएंगे, किसी सूरत में भी आएंगे। अभी आज पूरे महाराष्ट्र की आवाम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इजाजत से मैं ये ऐलान करता हूं कि अब मुंबई का नारा चलो मुंबई अब 11 दिसंबर को इंशाल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे।